भारत को F-35 सौंपने अमेरिका का सबसे नया और अनोखा ऑफर। भारत को सैकड़ों F-35 लड़ाके सौंप सकता है अमेरिका। इसके बदले अमेरिका ने भारत के सामने रखी एक बड़ी शर्त। भारत में मौजूद S-400 के बदले भारत को F-35 देने की भयंकर शर्त। दोस्तों, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि भारत अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पहला काम तो ये हो रहा है कि भारत अपने तेजस हवाई योद्धाओं को न केवल भारतीय वायुसेना में शामिल कर रहा है, बल्कि इन प्रोडक्शन भी मास लेवल पर बढ़ा रहा है। वहीं इसके लिए वो अमेरिकी इंजन की बजाय अपने कावेरी इंजन के इस्तेमाल की तरफ ही ध्यान दे रहा है। दूसरा काम ये हो रहा है कि भारत अपने एमका फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये अगले 10 साल तक भी नहीं बन पाएगा। इस पर काम बहुत स्लो हो रहा है। वहीं भारत और भी कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि भारत अपने भविष्य के योद्धा फ्यूरिस्टिक अनमैंड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी फूफा फाइटर जेट को तैयार कर रहा है। हालांकि ये भी बनने में काफी वक्त लेगा। दो समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। पहली तो ये कि भारतीय वायुसेना में विमानों की भयंकर कमी चल रही है, और दूसरी ओर चीन तो छोड़ो, पाकिस्तान तक चीन और तुर्की से स्टील्थ विमान खरीद रहा है, और पाकिस्तानी पायलट तो चीन में चीनी स्टील्थ विमानों की ट्रेनिंग तक ले रहे हैं। यानी भारत के सामने बड़ी दुविधा वाली घड़ी आ गई है। अब ऐसे में भारत को स्टील्थ विमान किसी भी दूसरे देश से खरीदना ही होगा। इसके लिए भारत रूस और अमेरिका के संपर्क में है, लेकिन यहां पर एक नहीं कई पेंच फंसे हुए हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रूस से कुछ भी खरीदे। स्टील्थ SU-57 फाइटर जेट तो कतई नहीं। दूसरा, अगर अमेरिका की परवाह ना करते हुए भारत रूस से SU-57 फाइटर जेट खरीद भी लेता है, तो भारत इस विमान से पहले से ही संतुष्ट नहीं है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी रडार की पकड़ में नहीं आने वाली तकनीक को भारत पहले से ही संदेह की दृष्टि से देखता है। अब भारत अगर रूस का SU-57 फाइटर जेट नहीं खरीदता है, तो फिर भारत के सामने विकल्प बचता है अमेरिका, यानी उसके कुछ विमान जैसे कि F-21, F-35, F-18 सुपर हॉर्नेट आदि। और भारत के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि हाल ही में अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए अहम बिल भी पास कर दिया था। दोस्तों, अगर आप समझ रहे हैं कि अमेरिका यूं ही भारत को F-35 दे देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि अमेरिका भारत को ये विमान तभी देगा जब भारत रूस से सैन्य संबंध कम कर देगा और रूस से हथियार लेना बंद कर देगा। और अब तो अमेरिका ने हद ही कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत को F-35 देने के लिए मोदी सरकार के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे सुनकर आपका भी दिमाग भन्ना सकता है। अमेरिका भारत को S-400 के बदले अपना F-35 विमान देने के लिए तैयार हो सकता है। ये रिपोर्ट्स आपको हिलाकर रख देगी कि अमेरिका भारत के S-400 सिस्टम से किस कदर हिला हुआ है और भारत के S-400 के सामने असहाय क्यों हो रहा है अमेरिका, और अब S-400 के बदले किस तरह से अमेरिका भारत को F-35 विमान देने को तैयार हो सकता है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भारत और मोदी सरकार को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप ये खबर देखिएगा। अमेरिका और भारत के बीच स्टील्थ विमान, या फिर यूं कहें कि दुनिया के सबसे खूंखार स्टील्थ फाइटर जेट F-35 फाइटर जेट के बीच आ गया है भारत का S-400 सिस्टम। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत के S-400 सिस्टम से अमेरिका बुरी तरह से हिला हुआ है, घबराया हुआ है और कैसे भी करके भारत से S-400 को अलग करना चाहता है। भारत रूस से S-400 की 3 यूनिट ले चुका है और 2 यूनिट आना बाकी हैं। लेकिन इसी बीच भारत के सामने रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों में से किसी भी एक देश से स्टील्थ विमान लेने की विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। और अब इसी क्रम में एक्सपर्ट व्यू के मुताबिक अमेरिका भारत के सामने एक शर्त रख सकता है। वो शर्त ये है कि अगर भारत अपनी तीनों S-400 यूनिट्स को निष्क्रिय कर दे,
या फिर नष्ट कर दे तो हो सकता है कि अमेरिका भारत को अपना स्टील्थ विमान F-35 दे सकता है। अगर भारत ऐसा नहीं करता है और फिर भी भारत अमेरिका से F-35 खरीद लेता है किसी भी वजह से, तो फिर अमेरिका भारत को इसके पार्ट्स या फिर इसकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं देगा, क्योंकि भारत रूस से सैन्य संबंध जारी रख रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी ना तो अमेरिका से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है और ना ही भारत से, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका अपने स्टील्थ विमान F-35 को भारत को तभी देगा जब भारत रूसी S-400 को इनएक्टिव यानी निष्क्रिय करेगा और ये भारत को शायद मंजूर नहीं होगा। तो हो सकता है भारत रूस और अमेरिका के अलावा किसी तीसरे देश से ही कोई स्टील्थ विमान खरीदे। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।